से मिला पर मिल गया। नमस्ते नमस्ते, तो भाई कैमरा मिल गया है मुझे। उन्होंने मुझे बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है। पायल दीदी, स्पेशली इसको पायल दीदी एंड कृतिका दीदी यूज करने वाले हैं अपनी व्लॉगिंग के लिए। तो अब मैं अरमान भैया को अपना कैमरा उनको मैं दे रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये कैमरा पूरे दुबई में इस टाइम पर आउट ऑफ स्टॉक है। मेरे साथ ही क्यों होता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज की अपडेट ये है कि अरमान भैया को पसंद आ चुका है मेरा कैमरा, जो मैं ये DJI पॉकेट 3 यूज़ करती हूँ अपनी व्लॉगिंग के लिए। वो भैया को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इनफैक्ट उनको कल भी ये कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली ये कैमरा पूरे दुबई में इस टाइम पर आउट ऑफ स्टॉक है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर ये कैमरा नहीं मिल रहा है हमें, और हम सुबह से मतलब काफ़ी देर हो गई है, मतलब 2-3 घंटे हो गए हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे दुबई के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, जंबो, शरफ डीजीज एंड जो बाकी जो स्टोर्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकते हैं, सब पर कॉन्टैक्ट कर लिया है। बट कहीं पे भी DJI ये जो क्रिएटर कॉम्बो किट है जिसमें माइक एंड एक्स्ट्रा बैटरीज एंड एवरीथिंग होता है, वो सब अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है। एंड अब ऑनलाइन मंगाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिकॉज़ भैया को वापस इंडिया जाना है। सो अब मैं अरमान भैया को अपना कैमरा उनको मैं दे रही हूँ, जो मेरा इसका इसकी पूरी जो मेरी किट है, तो मैं ये अपनी किट उनको पूरी दे रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। यस, सो ये इसकी मेरी पूरी किट है। इसको प्रिपेयर करते हैं एंड फिर भैया को देने चलते हैं। येस, सो गाइज, आप लोगों को मेरा लास्ट जो मैंने क्रिसमस पे व्लॉग डाला था जिस पे मैंने ये अपना कैमरा मुझे अपूर्व ने गिफ्ट किया था एक्चुअली, तो आपने वो व्लॉग देखा होगा। उस टाइम भी मैंने ऐसे ही अपना ये लगा के इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो अब मैं सेम इसकी वापस से बॉक्सिंग कर रही हूँ, उसको वापस पैक कर रही हूँ ताकि मैं ये अरमान भैया को दे सकूँ। अच्छा, इसमें जो सामान आता है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतना उनको पसंद क्यों आया है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक तो बिल्कुल लाइक यू नो पॉकेट कैमरा है, आप बहुत हैंडी कैमरा है। आप देखो, आपने इसको ऑन करा एंड ये इतना ये देखो, इसकी क्लैरिटी एंड इसका ईज़ ऑफ यूज़ बहुत ही अच्छा है, लाइक अ गिम्बल, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर गिम्बल। और ये ऐसे फोल्ड होके अंदर हो जाता है, सो इसका जो लेंस है वो भी सेव रहता है प्रॉपरली। सेकेंडली, और इसका जो केस आता है, इसमें आप इसको ऐसे करके सेव कर सकते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे हैंडी का रहता है। और ये इसका लेंस है, जो इसका एक्स्ट्रा वाइड लेंस है, मैंने आपको यूज नहीं किया। और ये इसका जो माइक अटैच करने की मैगनेट होती है वो है, क्योंकि जो अटैचमेंट वो हो गए हैं। और ये इसका माइक है, जो DJI का क्रिएटर कॉम्बो का माइक आता है, तो ये बहुत ही प्यारा सा माइक है। आप देखो, बहुत क्यूट माइक है। सो ये सब किट को पहले पैक करते हैं इसमें। तो गाइज, ये ना एक्चुअली काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरे लिए, क्योंकि इस कैमरे से मेरी बहुत सारी फीलिंग्स अटैच थी। मतलब मैंने बहुत ही मन से ये कैमरा लिया था पहली बात, एंड मैंने इसमें काफ़ी प्रे किया था कि लाइक इससे जो मैं व्लॉग्स करूँ वो बहुत अच्छे यू नो सुपर हिट हो, एंड मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक यू नो हिट व्लॉग्स आप लोगों के साथ आप लोगों को दे सकूँ। तो इट्स ओके, क्योंकि मैं अरमान भैया को लाइक यू नो काफ़ी मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको इंस्पिरेशन मानती हूँ। तो अगर उनको मेरा कैमरा कुछ पसंद आया है, तो मैं अगर उनको दे पा रही हूँ, तो उससे भी बड़ी बात कुछ नहीं है मेरे लिए स्पेशली। तो इसलिए मैं हैप्पीली उनको ये कैमरा दे रही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली इंटरनली अंदर से थोड़ा सा होता है कि यार बट ठीक है, इट्स ओके। अरमान भैया के पास ही जा रहे हैं पायल दीदी, स्पेशली इसको पायल दीदी एंड कृतिका दीदी यूज़ करने वाले हैं अपनी व्लॉगिंग के लिए। सो मुझे वो चीज़ देख के बड़ी खुशी होगी कि यू नो जब उनके हाथ में वो कैमरा दिखेगा, तो मुझे लगेगा कि यस, ये मेरा कैमरा था। तो था हो गया है, बट इट्स ओके। चलते हैं दुबई मॉल एंड वहाँ पे भैया को ये कैमरा देते हैं, एंड फिर मैं आपसे भैया को मिलवाती हूँ। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी एंड फिलहाल मैं जा रही हूँ अब दुबई मॉल अरमान भैया को अपना कैमरा देने। वहीं पर भैया वेट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आदित को स्कूल से पिक करना था। और थोड़ा सा मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बिकॉज कैमरा जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इट्स ओके। वो जैसे कल उन्होंने मुझे कहा था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो लेट्स सी, कैमरा खो के देखते हैं, एंड मे बी इट इज़ फॉर गुड एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ माय लाइक यू नो फॉर लाइक फ्यूचर। सो देखते हैं, अब वो मिलेंगे, फिर मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और आदित जा रहा है चीकू के मम्मा पापा से मिलने।
तो गाइज मैं आ चुकी हूँ दुबई मॉल में और इस टाइम मैं अपना माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ, फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आपको वॉइस थोड़ी सी आ रही होगी बिकॉज इस टाइम पे मॉल में हल्का सा शोर है। आ जाओ अद्वित, अब चलते हैं शरफ डी जी बिकॉज वहीं पर ही भैया वेट कर रहे हैं हमारा। ये है दुबई मॉल गाइज, आप एक बार ये वाला एरिया चेकआउट करो, कितना ब्यूटीफुल एरिया है, लुक। एंड गाइज लुक एट द क्लीनिनेस, आपने एक चीज नोट करी होगी। हाय, ओके, इतनी सफाई है इस टाइम पे फ्लोर्स पे, इतनी सफाई है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ नीचे झुक के और फिर हाथ लगा के दिखाती हूँ, पर मुझे कोई देखेगा तो नहीं। चलो मैं आपको इसका एक हल्का सा डेमो देती हूँ। सपोज अगर हम नीचे झुकते हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप इसकी डस्ट देखो, आप देख रहे हो बिल्कुल हैंड क्लीन है, लाइक लिटरली इतना साफ है इस टाइम दुबई मॉल का फ्लोर, बिल्कुल शाइन मार रहा है, लिटरली शाइन मार रहा है, आप अपनी शक्ल देख सकते हो। और दुबई मॉल में कुछ भी ढूंढना ना, बस ऐसा है कि बहुत टफ है, सब कुछ यहाँ पर इजीली मेंशन है। अच्छा, और मैं आपको दिखाती हूँ दुबई का चाइना टाउन, ये है दुबई की चाइनीज मार्केट। ये दुबई का पूरा चाइना टाउन है, ऊपर से आपको दिख रहा है गाइस। अभी कॉल आया भैया का एंड यू विल नॉट बिलीव, उनको जंबो में कैमरा मिल गया है और उन्होंने फ़ोन उठा के ये बोला, मैंने उनको बोला कि बस मैं 2 मिनट में पहुंच गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है, रख ले अपना कैमरा, मुझे मिल गया है। बट इट्स ओके, बट इट्स ओके, मिलने का बहाना मिल गया है अब, कोई बात नहीं, बस मैं पहुंचने वाली हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ। एंड ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं घर से जो प्लान करके निकलती हूँ उसका ऑपोजिट हो जाता है, 2 दिन से उसका ऑपोजिट हो रहा है, मैं जो भी घर से प्लान करके निकल रही हूँ, बट जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। सो गाइज, अपडेट इज़ दिस कि भैया को फाइनली कैमरा मिल गया है। भैया नमस्ते। नमस्ते, तो भाई कैमरा मिल गया है मुझे और बहुत मुश्किलों से मिला, पर मिल गया। फिलहाल मुझे इस टाइम इतना सांस चढ़ चुका है क्योंकि मैं बिल्कुल भागते भागते आई, आपने देखा मैं कितना ज़्यादा, मुझे सुबह से सांस चढ़ा हुआ है और मैं बिल्कुल परेशान थी। पहले सुबह से हमने कॉल्स पे कॉल्स मिलाई कि कहीं पर वो कैमरा अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो फिर मिला नहीं कहीं भी। एंड फाइनली भैया को 2 घंटे मॉल में घूम के, बिल्कुल एंड में जब मैं जम्बो पहुँचने वाली थी उनको अपना कैमरा देने के लिए, उनको कैमरा मिल गया है एंड मेरा कैमरा फाइनली मेरे पास ही है। और आप देख सकते हो मैंने इसका माइक लगा लिया है बिकॉज अब ये कैमरा फाइनल मेरे पास ही है। तो अब भैया और जाएंगे फूड कोर्ट एंड आज पायल दीदी नहीं आई है मॉल, वरना मैं आपको पायल दीदी से भी मिलवाती बिकॉज भैया को थोड़ा सा कैमरा अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था, तो फिर उन्होंने फटाफट से कैमरे के लिए वो आ गए थे। अद्वित हाय। सो भैया आप दोबारा कब आ रहे हो अब दुबई? जब तुम बुलाओगे। घर ले लो, गाड़ी ले लो, जैसे आज की व्लॉग में आपने बोला कि अब मैं दोबारा दुबई तब आऊँगा जब मेरे पास खुद का अपना विला होगा और गाड़ी होगी। नहीं, मैं तभी आऊँगा सच में, फिर हमें घुमाओगे। तो आप नेक्स्ट टाइम कृतिका दीदी को लेकर आ रहे हो फिर उसके बाद, है ना? और मैं जब यहाँ पे फूड कोर्ट में आती थी ना, तो मैं मतलब मैं उस टाइम पे भी मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था और आज मैं अरमान भैया के साथ हूँ। सो दैट्स कॉल्ड मेहनत, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अरमान भैया को घर चाहिए, आपने इसे सुना होगा, अरमान भैया को घर चाहिए। अपूर सुन रहे हो, अरमान भैया को घर दिलवा दो। मेरे हस्बैंड दुबई में प्रॉपर्टी डीलर है एंड काफ़ी लाइक वो बड़े ग्रुप्स को भी डील करते हैं, तो अगर अपूर आप मुझे पता मेरा ब्लॉग देखोगे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अरमान मलिक, ही नीड्स अ विला हेयर इन दुबई।
और इन सब के बीच में आद्वित का फायदा हो चुका है बिकॉज आद्वित को स्लाइड पार्क दिख गया है और आद्वित अपने स्लाइड पार्क में एंजॉय कर रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो इसमें आद्वित का हुआ है। गाइस ये आप देख रहे हो दुबई एक्वेरियम, उसका एक स्मॉल पार्ट है ये बिल्कुल जो बाहर से है। सबसे ज्यादा मजा तो आद्वित का आ गया है, आद्वित का तो फ्री में स्लाइड पार्क हो गया है ना आद्वित। ओ वाओ, आपको मैं एक डायनासोर दिखाती हूँ, ये डायनासोर का पूरा स्केलेटन है आद्वित। लो तो डायनासोर स्केलेटन है ना, इसे डायनासोर स्केलेटन, ये तो उसकी टेल है। Where is his mouth? Okay. मुझे लगा ये इसका माउथ है। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने आपको पता होगा दुबई मॉल का जो फेमस आइस रिंक है उसकी क्लीनिंग और उसके ऊपर जो एक आइस स्नो की लेयर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। आपको ये मशीन दिख रही है, ये मशीन है ना, ये मशीन क्लीन करके इसके ऊपर एक स्नो की लेयर लगा रही है। आप देखो ये है पूरी आइस रिंक वहाँ तक और ये मशीन उसको क्लीन कर रही है। और वहाँ पर आपको एक दिख रहे होंगे, मैं जूम करती हूँ, आपको ये दिख रहे हैं, इनका काम है उसको क्लीन करके डैम्प करना एंड ड्राई आउट करना। और गाइस मैं इस टाइम अब इतना थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब, क्योंकि हम जब से चले जा रही हूँ मैं और आज तो सुबह से ही बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है और अब दुबई मॉल में घूम घूम के बहुत थक गई हूँ मैं। अब बस फटाफट से टैक्सी लेते हैं, कैब लेते हैं और घर चलते हैं। आदित्य प्लीज़ बाहर आ जाओ, अब फटाफट घर चलते हैं बिकॉज अब एनफ हो गया है और अब पैरों की जान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पैरों की बिल्कुल जान। और अभी मुझे कल का व्लॉग भी एडिट करना है, जो मुझे कल व्लॉग लाइव करना है। और मैंने एक बहुत ही अल्टीमेट शॉपिंग मार्ट का चैलेंज करा है, 50 दिरहम्स में मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ, तो मैंने वो चैलेंज किया और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज था, तो वो ब्लॉग ज़रूर आप लोग देखना। मैं जल्द से जल्द उसको एडिट करके ब्लॉग को डालूंगी। आज तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको एडिट कर चुकी होती हूँ अभी तक। एनीवेज सो ये था आज का ब्लॉग, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अरमान भैया के साथ। अरमान भैया वापस जा रहे हैं इंडिया, तो अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे और फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे एंड रील्स बनाएंगे। और टिल दैट टाइम स्टे सेफ एवरीवन, एंड मैं माइक में बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत शोर था। स्टे सेफ, सब्सक्राइब टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई फॉर ऑल द दुबई रिलेटेड वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।